श्री जी गुरु जी को अलग आदेश माँ भगवती काली को अलग आदेश रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश आप सभी को आदेश आदेश मैं श्री गुरु रुद्रनाथ जी का छोटा सा शिष्य दीपेंद्र नाथ आज शिष्यों की पाठशाला में आप सबका स्वागत करता हूँ आज का विषय है साधक और समर्पण साधक अवस्था शिष्यत्व से पूर्व की अवस्था है शिष्य बनना तो दूर की बात है पहले साधक बनना होता है साधक अवस्था प्रत्यक्ष रूप में गर्भस्थित शिशु के समान है जो मात स्वरूप महामाया से जुड़े नाल से ज्ञान एवं शक्ति प्राप्त करता है शिष्य अब भान करता है अपने आप में जागता है जन्म लेने को आतुर हो जाता है छटपटाता है तब गुरु स्वरूपी महादेव उसे संसार में प्रवेश करा देते हैं जब साधक प्रत्यक्ष रूप में महामाया का दर्शन कर लेता है अपने पिता स्वरूप महादेव के स्वरूप को समक्ष पाता है तब शिष्य का जन्म होता है इससे पहले आप साधक अवस्था में अपने आप को कितना भी समर्पित मान लो जहाँ डोल बजाकर चिल्लाते रहो समर्पण नहीं होता समर्पण का निर्धारण आप स्वयं नहीं कर सकते कौन कितना समर्पित है इसका निर्धारण स्वयं महामाया करती है आप गुरु को ईष्ट मानकर उनकी साधना भी कर लो पर जब तक साधक गुरु को आत्मा रूप में स्वीकारता नहीं है और गुरु शिष्य रूपी शरीर में आत्मा स्वरूप में बास नहीं करने लगते तब तक शिष्यत्व तो भी पूर्ण नहीं होता जब गुरु और शिष्य में आत्मा और शरीर का बंधन हो गया तो गुरु को पल पल की खबर होती है आत्मा में चल रहे हर मंथन का आभास शिष्य को होता है साधक अपने संसारिक रूप में दी जाने वाली भारा प्रेम और संस्कार से नौशावर होने को समर्पण मानता है पर समर्पण तो पूर्णता आंतरिक एवं आत्मिक होता है जब शिष्य की आत्मा ही गुरु और गुरु ही आत्मा बन जाए तो गुरु शिष्य में कोई भेद उत्पन्न ही नहीं होगा शिष्यत्व के साथ गुरु एवं शिष्य की जिम्मेदारियां भी वेहद हो जाती हैं हर कर्म संतुलित हो जाता है किसी भी प्रकार से मनसा वाचा एवं कर्मणा से त्रुटि नहीं होनी चाहिए अन्यथा आत्मा और शरीर में प्रेम पूर्ण कहा सुनी होती है पर इस झगड़े में भी प्रेम बाब में कभी कमी नहीं होती प्रेम से मंथन होता है कुछ लोग गुरु को पिता स्वरूप मानकर बोलते हैं मैंने सब समर्पित कर दिया पर क्या बस यही समर्पण है समर्पण के लिए आपको गुरु प्रेम में समाहित होना पड़ेगा श्री हनुमान जी को आदर्श मानकर आगे बढ़ना होगा आइए अब आपको इस बात को समझाने के लिए एक शिष्य की कहानी सुनाता हूं एक शिष्य एक साधक हुए मिलारप्पा जो अपने गुरु के पास गए और कहा आपके समीप रहकर आश्रम में साधना करना चाहता हूँ उसने गुरु के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पण कर दिया मिलरपा बहुत अद्भुत व्यक्ति था परंतु जब आश्रम में अन्य शिष्यों ने यह देखा कि वह गुरु के नजदीक होने लगा है तब उन्हें उससे ईर्षा होने लगी उन्होंने गुरु के पास जाकर कहा कि आप इस नए शिष्य का समर्पण की परीक्षा लें गुरु के पूछने पर कि क्या परीक्षा लूं तब उन्होंने सुझाया कि आप मिलरपा को पहाड़ी से कूदने को कहें जब गुरु ने पहाड़ी के पास जाकर उसे कूदने को कहा तो मिला ने बिना सोचे समझे एक मिनट भी गवाए छलांग लगा दी ये देख सभी शिष्य प्रसन्न हुए और उसे देखने नीचे घाटी में गए पर सबको ये देखकर कर अचंबा हुआ कि वह जीवित है आनंदित है और शांतिपूर्वक ध्यान में बैठा है गुरु ने पूछा ये कैसे किया उसने कहा सदगुरु मैंने कुछ नहीं किया जो किया आपने किया उसने कहा मैंने तो समर्पण कर दिया है इसलिए जो भी किया आपने ही किया होगा अब अन्य शिष्य कोई और मौका ढूंढने लगे उन्होंने फिर गुरु से कहा इस बार ऐसा हो गया तो क्या आप फिर से परीक्षा लें परीक्षा के लिए तय किया कि सामने जो मकान जल रहा है वह उसमें जाकर बैठ जाए जब तक मकान भसम ना हो जाए मेला रप्पा ने फिर से गुरु की आज्ञा का पालन किया और जलते हुए मकान के अंदर जाकर बैठ गया जब मकान पूरी तरह से भसम हो गया तब सबने उधर जाकर देखा तो पाया वह राग के ढेर के नीचे आनंद में दबा पड़ा है और पूछने पर कि कैसे हुआ तो उसने कहा गुरुवर आप ही चमत्कार कर रहे हैं मैं कौन होता हूं कुछ करने वाला वह अपनी प्रसन्नता में ही खोया था अन्य शिष्यों ने फिर से इसे संयोग कहा तथा गुरु से फिर परीक्षा लेने को कहा उन्होंने कहा कि तीन बार तो परीक्षा लेनी बनती है तभी सिद्ध होगा कि जी आपका सच्चा शिष्य है सब नदी के किनारे गए और देखा नाव दूसरे किनारे पर खड़ी है गुरु ने मिला को नाव व मल्लाह को बुलाकर लाने को कहा इतना सुनते ही वह नदी पर चलकर दूसरी ओर चला गया सब हैरान रह गए गुरु के प्रश्न करने पर उसने कहा मैंने नहीं आपने किया मैं तो आपके आदेश के साथ ही आपके चरणों में अपने आपको समर्पण कर देता हूँ फिर मुझे नहीं पता क्या होता है इस कहानी के द्वारा यही संदेश आप तक पहुँचाना चाहता था कि समर्पण से हम अपने भीतर अमृत केंद्र तक पहुँच सकते हैं जब समर्पण आने लगता है तब प्रकृति भी हमारे साथ हो जाती है श्रद्धा से मन भर जाता है आपके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं सत्य रूपी दिये को अपने अंदर जागृत करें जिससे अंधकार रूपे अज्ञान दूर हो सके आज के लिए बस इतना ही आदेश आदेश